तो दोस्तों रियलमी बहुत ही जल्दी रियलमी A1 को लॉन्च करने वाला है, जो कि एंड्रॉयड 1 के इंटीग्रेशन यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा। और दोस्तों ये एक बजट डिवाइस होगा, यानी कि 10,000 के नीचे ही आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं इसी फोन के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में, क्या होने वाला है इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइस और कब तक ये फोन इंडिया में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा और फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी रियर साइड में मिलने वाला है। और वहीं पे अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको मीडिया टेक हीलियो P70 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि हमें रियलमी 3 प्रो में भी मिला है, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट मिलेगा जो कि दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको रियलमी के डिवाइस में कलर ओएस का छुटकारा मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2 रैम वेरियंट 32 GB और 64 GB। अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है डुअल रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होगा 13 MP का, और उसके साथ ही 5 MP का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर मिलने वाला है। वहीं पे अगर बात करें इसकी सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और अब आते हैं इसके बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 4230 mAh का बैटरी मिलने वाला है जो कि 10 W के चार्जिंग के साथ आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी मिलने वाला है। वहीं पे अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों इसका 32 GB वाला मॉडल आपको 8,000 के प्राइसिंग में मिलने वाला है। तो दोस्तों 8,000 के प्राइसिंग में यहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 1 का इंटीग्रेशन मिलेगा, यानी कि दोस्तों आपको 3 साल तक एंड्रॉयड का अपडेट मिलने वाला है, जो कि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में अभी तक किसी भी कंपनी ने हमें नहीं दिया है। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर आपको 10,000 के नीचे कोई फोन चाहिए, तो ये फोन आपके लिए डेफिनेटली बेस्ट चॉइस होने वाला है। और अगर दोस्तों बात करें इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो ज्यादातर लीक्स और रूमर्स तो यही है कि ये फोन रियलमी X के साथ लॉन्च होगा, यानी कि दोस्तों जुलाई के 3rd या फिर 4th वीक को लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या कुछ लीक्स निकल के आते हैं इस फोन के रिगार्डिंग। तो यही था इस फोन के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।